आजादी के आदर्शों को समझे और बयां करे। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश पासवान आज WLBS न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में है कृष्णकांत चौरासे जी, जो कि सोशल मूवमेंट में आजकल काफी ध्यान दे रहे हैं। और आपको बता दूं, इनका बैकग्राउंड ऐसा है दोस्तों, ये पॉलिटिक्स में काफी इन्वॉल्व हैं। ये इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है और यहाँ शुरू में पहले जहां तक मुझे इनके बारे में जानकारी है, ये NUCI के प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस में इन्होंने काम किया है, कांग्रेस के विभिन्न विंगों में इन्होंने काम किया है। लेकिन आज इनकी जो भी राजनीतिक स्ट्रगल रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल ये राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान ना देकर सामाजिक मूवमेंट में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली बाबा साहब का जो मिशन है उस पे काम कर रहे हैं। इसलिए हम आज इनको बीच आपके बीच में लेके आए हैं। ये राजनीतिक क्षेत्र में काम किए हमने, इसलिए इनको आपसे मिला नहीं रहे हैं यह, बल्कि बाबा साहब की विचारधारा या बाबा साहब का जो मूवमेंट है उसको आगे लेकर चल रहे हैं, इसलिए हम आपसे इनको रूबरू करा रहे हैं। तो मिलिए और इनसे हम, इन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट किया, पॉलिटिकल काम किया है, उसमें क्या अचीवमेंट प्राप्त किया या क्या नहीं प्राप्त किया है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो हम चाहते हैं कृष्णकांत चौरासे जी आपको खुद अपना परिचय दे। तो हमारे बीच में है कृष्णकांत चौरासे जी। साथियों नमस्कार, मैं पहले धन्यवाद करता हूँ बाबा साहब का जो चैनल सब्सक्राइब लोगों ने किया है, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूँ। साथियों, स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे राजनीति का शौक था और राजनीति करते रहा मैं। काफी समय हुआ, लगभग 95 जब मैं 10वीं में था, स्कूल लाइफ से मैंने NUCI, यूथ कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला यूथ कांग्रेस के साथ काम किया। साथियों, आज यह काम करते करते लगभग 20 साल मुझे हो गए। हमारे क्षेत्र के लाडले नेता और छिंदवाड़ा जिले के सांसद और पूर्व केंद्र मंत्री माननीय कमलनाथ जी मेरे राजनीति केंद्र के गुरु रहे या प्रेरणा सूत्र है। जब भी हम मिले तो उन्होंने कहा कि युवा आगे आए, आक्रमक आए और आगे की मुझसे मिले, मुझसे बात करें। हमने वही बात गांठ बांधा और आज 20 साल से माननीय कमलनाथ जी साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। चौरासे जी, मैं आपसे बीच में टोक रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा। देखिए, आपने खुद बताया कि आप कमलनाथ जी से जुड़े हैं और बिल्कुल इसमें मैं भी दोमत नहीं मतलब मानता हूं या कोई क्वेश्चन नहीं करता हूं कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर में कमलनाथ जी का जो नेतृत्व रहा है वो काफी प्रभावशाली रहा है और काफी जन कल्याणकारी नीतियों में उन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन चौरासे जी, मैं आपसे पूछना यह चाहूंगा, बिल्कुल बेहिचक पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दें कि कमलनाथ जी के लिए आपने काम किया है और 20 साल से काम किया है, आज आपको कांग्रेस के अंदर में क्या महत्व दिया गया है, आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब। मैं सब बातें आपसे ईमानदारी से कर रहा हूँ। जहाँ भी मुझे अगर NUCI की राजनीति करना हो या यूथ कांग्रेस की राजनीति करना हो या जिला यूथ कांग्रेस की राजनीति, या आज वर्तमान में मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दमोह का सचिव हूँ और अनुसूचित जाति जिला का सिंगोड़ी का पर्यवेक्षक हूँ, यही कहीं ना कहीं माननीय कमलनाथ जी का मेरे तरफ सकारात्मक रवैया रहा है, जिसके माध्यम से मैं आज भी नेतृत्व कर रहा हूँ और अपने लोग की बात, अपने समाज की बात, खासकर मैं शेड्यूल कास्ट से हूँ और शेड्यूल कास्ट का काम अधिक से अधिक माननीय कमलनाथ जी करते हैं और उन्होंने नेतृत्व दिया, उनके माध्यम से मैं नेतृत्व को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। नहीं, लेकिन बात यह है, देखिए बहुत ज्वलंत बात यह है, कांग्रेस में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ है या पिछड़ा प्रकोष्ठ होगा, लेकिन कांग्रेस का जो मेन जो विंग है, कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी या जिला कांग्रेस कमेटी, मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूँ क्या कारण है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को नेतृत्व नहीं दिया जाता है, उन्हें एक वर्ग तक सीमित कर दिया जाता है, यह ऐसा क्यों है आप बताएं। मेरा मानना यह है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मगर आप मीडिया के माध्यम से अगर इस बात को उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को और माननीय कमलनाथ जी को भविष्य में कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों में उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कम होती है, कहीं उनके अंदर ऐसा तो नहीं है, आपके कमलनाथ जी या कांग्रेस कमेटी का जो हाई कमान है कहीं ऐसा तो नहीं सोचता है कि जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं वो लीडरशिप नहीं कर सकते, कहीं ऐसा तो नहीं होता है। नहीं नहीं, इस बात को मैं बिल्कुल पूरे 100% तरफ से नकारता हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग के ब्लड में
राजनीति है, क्योंकि जिस कौन से या जिस कास्ट से मैं हूँ उस व्यक्ति ने इस देश का संविधान लिखा है, तो ये बात मैं नकारता हूँ कि हमारे समाज में या हमारी कौम में लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप फूट फूट के भरी है, बस उनसे परखा जाए, समय पे टैलेंट को दिखाया जा सके। अगर ऐसा पार्टी तरफ से नेतृत्व दिया जाए तो बिल्कुल। लेकिन चौरासी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप छिंदवाड़ा या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी या जिला या फिर आप राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, उसमें कितने ऐसे नाम गिरा सकते हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के, जिन्होंने शीर्षस्थ नेतृत्व प्रदान किया इस देश में या कांग्रेस ने अवसर दिया, आप बता सकते हैं ना? मैं इतना आपको तो ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता हूँ। मैं जब जब पार्टी को नेतृत्व करने का मौका मिला है एससी की तरफ से, तो उनको बकायदा वो मान सम्मान मिला है, वो मिलते रहता है। अच्छा, तो आप 20 साल से आप कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ आपका काफी मैंने गतिविधियों पे नजर रखी है। आप आजकल बाबा साहब का जो मिशन है, सामाजिक मिशन है, मूवमेंट है, उस पर आप ज्यादा जोर दे रहे, ऐसा क्यों? जब से मैंने बाबा साहब को जाना है, तो मेरा मानना यह है कि वर्तमान में या भविष्य में या कभी भी, जब तक सामाजिक क्रांति इस देश में, समाज में जब तक होगी नहीं, जब तक राजनीति क्रांति भी संभव नहीं है। इसलिए मैं भी जब सबसे ज्यादा मूवमेंट अपना किया हूँ, समाज के लोग को जागरूक कर रहा हूँ कि वाकई में बाबा साहब ने और संविधान में बाबा साहब ने क्या राइट दिए हैं। अगर लोग अपने राइट जान जाएंगे तो निश्चित ही अच्छी गवर्नमेंट चुनेंगे और अच्छे लोग को वोट देंगे। तो आपने वैसे काफी खुल के बात की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का आपने पक्ष रखने की कोशिश किया है। आपके साथ अगर मैं तो ये मान के चलता हूँ, आपने 20 साल दिया है, तो 20 साल में आपको क्या मिला है इस बारे में आप जवाब दे ना दे, लेकिन ईमानदारी से यह बात जरूर है कि आपकी नेतृत्व को कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने नजरअंदाज किया है, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं इस बात को, आपकी बात को मैं इनकार करता हूँ, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से मुझे अनुशंसा भी अनुशाई में नेतृत्व दिया गया है, जिला कांग्रेस में नेतृत्व दिया गया है, या अनुसूचित जाति का ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व में रहा मैं, और वर्तमान में भी एससी प्रकोष्ठ का सिंगोड़ का पर्यवेक्षक हूँ, और दमुआ कांग्रेस कमेटी का मैं सचिव हूँ। तो कहीं ना कहीं माननीय कमलनाथ जी की मंशा रही है कि मुझे नेतृत्व मिले, और उनका आदेश जैसे मिला वैसे नेतृत्व करता हूँ और लोगों के लिए बढ़कर के काम करता हूँ। अच्छा चौरासी जी, आप ये बताएं, आपकी नजर में भारत के अंदर में सबसे बड़ी समस्या क्या है और उसकी जड़ क्या है? आपने भारत की बात कर दी, उतना बड़ा स्तर तो नहीं मेरा, फिर भी एक क्वेश्चन आपने सामाजिक तौर पे और देश के हित में पूछा है, तो सबसे बड़ी समस्या देश में आज बेरोजगारी की मुझे समझ में आती है। अगर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग रोजगार से जुड़े रहेंगे, अपना परिवार का पालन पोषण करते रहेंगे, तो किसी प्रकार की कोई गतिविधि में कोई भाग नहीं लेगा। तो सबसे ज्यादा मेरे को देश में सबसे ज्यादा अगर कोई समझ में आता है तो वो बेरोजगारी की समस्या है। अगर लोगों को रोजगार मिले, टाइम पे काम मिले, तो किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं होगी, ये समझ मानना है। अच्छा, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इस देश में जातीय हिंसा बहुत बढ़ गई है। रोहित वेमुला केस हो या सहारनपुर का जो अभी लेटेस्ट मामला हो, या इसके अलावा कई ऐसे मामले अल्पसंख्यकों पर जो वारदात हो रही है, तो आप ये नहीं मानते कि कहीं न कहीं जो मनुवादी व्यवस्था को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है? मैं इसलिए इस बात को ज्यादा तजुर्बा नहीं देता हूँ कि मनुवादी ताकत रहे या किसी भी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट को चलना भारतीय संविधान के अनुसार है। अगर भारतीय संविधान का इम्प्लीमेंट पूरी गवर्नमेंट करती है तो निश्चित ऐसी जो वादा होती देश में वो नहीं होगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? मेरा मानना है कि भारतीय संविधान का अगर इम्प्लीमेंट 100% देश में हो तो ऐसी गतिविधियां ही ना हो, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट रहती है वो अपने अनुसार देश को चलाना चाहती है, अपने नियम अपनी सरकार के माध्यम से नियम बनाना चाहती है। क्या कांग्रेस के समय में भारतीय संविधान का पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ था? मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के शासनकाल में ज्यादा किस पर कोई दंगे हुए हैं या दंगे होते हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो भारत के अंदर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या जो पिछड़ा वर्ग कहलाता है, आज उन लोगों को काफी नेतृत्व मिल चुका होता, आज उन लोगों को ऐसे काफी लोगों को रोजगार मिल चुका होता, लेकिन आज ऐसे बेरोजगारों की मैं काफी लोगों की संख्या खड़ी करके बता दूंगा, उन्हें आज ऐसा कुछ मिला नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो सिर्फ 3 साल हो गए, लेकिन कहा जाता 60 साल कांग्रेस की सरकार थी देश में। 60 साल कांग्रेस की ये सरकार रही, मैं इस बात को मानता हूँ, मगर वहाँ पे SC ST OBC को नेतृत्व मिला है, जहाँ जिसकी विधानसभा में जिसकी सीट रही है, आरक्षित सीट रही है, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है, चुनाव जीते हैं, और अपने समाज का, अपनी कौम का उन्होंने नेतृत्व किया है, उनका डेवलपमेंट किया है। आपने बहुत बढ़िया बात बोल दी है कृष्णकांत चौरसिया जी, और आप शायद आप इस बात में फंस गए, इस बात में इसलिए फंस गए हैं कि बाबा साहब के द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षित सीट दिलवाई गई थी, वो भी मजबूरी में। उन्होंने तो पूना पैक्ट जो हुआ था, आपको जानकारी होगी, उन्होंने तो पृथक निर्वाचन की मांग की थी बाबा साहब, लेकिन गांधी जी की जान बचाने के लिए, मजबूरी में गांधी जी की जान बचाने के लिए उन्होंने ये पूना पैक्ट में समझौता किया, और आरक्षित सीटों पे उन्होंने समझौता करके आरक्षित सीटों के लिए एक हस्ताक्षर किए थे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, जो रोहित बेमुला का जो हत्याकांड हो जाता है, मैं हत्याकांड मानता हूँ, संस्थागत हत्या, और या सहारनपुर में 60 लोगों के घर जला दिए जाते हैं, भारत के जो लोकसभा के अंदर में 120 से 122 लोकसभा सांसद हैं, वे क्या करते हैं? कांग्रेस में भी काफी सांसद हैं, वे क्या करते हैं संसद के अंदर? मेरा मानना यह है कि जो जिस पार्टी से चुन के जाता है, और लोकतंत्र के माध्यम से अगर उसको अपनी आवाज उठाना चाहिए तो उसको उठाना चाहिए। आपको पब्लिक अपना वोट देती है, आप विधानसभा में बैठते हैं या संसद में बैठते हैं, तो अपने क्षेत्र में अगर इस टाइप की गतिविधि होती है तो वहां पे आपको विशेष रूप से जाकर शासन प्रशासन के साथ में मिलके ऐसी वारदात ना हो, ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं करते? करना तो चाहिए, लेकिन वे लोग, आप लोग क्या करते हैं छिंदवाड़ा के अंदर? हम लोग का जब भी जैसा रहा है, तो उन्होंने रोहित वेमुला का केस हो या सहारनपुर का केस हो, हमने मीडिया के माध्यम से, अपनी पार्टी के माध्यम से उस चीज का विरोध किया है, और कहीं ना कहीं मनुवादी ताकत का जो ग्राफ बढ़ रहा है वो इस देश के लिए और इस संविधान के लिए भी खतरनाक है। कहीं ना कहीं सभी लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा और देश हित में क्या करना होगा। चलिए, आपने मेरे तीखे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और कृष्णकांत चौरसिया जी ने जिस ईमानदारी से अपनी बात को रखा, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टी को बचाने की कोशिश की है, कमलनाथ जी के नेतृत्व को या कांग्रेस के जो भी विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं उसको उन्होंने सुरक्षित करने की कोशिश की है। जो भी हो, हमने आपसे तीखे सवाल किए, आपने जो भी जवाब दिए, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। आपको ऐसे ही व्यक्तियों से, ऐसे ही युवाओं से हम अगली बार अगले एपिसोड में जरूर मिलाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।